घोषणा है, ये धरातल पे कहीं पे भी नहीं है। धरातल पे आज आप देख रहे होंगे लाखों मजदूर हाईवे पे जा रहा है, कोई पैदल। और राजनीति में एक किसान नेता के रूप में उभरे एक ऐसे व्यक्ति से आज आपका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। करने से अच्छा है कुछ कर, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर, यूं ही सरकार पर या सत्ताधारियों पर इल्जाम लगाने से अच्छा है कुछ कर। सड़क के रास्ते हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, उनकी मदद कर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम और आज मैं पहुँचा हूँ करेरा में। करेरा की एक ऐसी शख्सियत से आज हम लोग जो रूबरू होंगे, एक ऐसे नेता से मिलेंगे जिन्होंने अपनी राजनीतिक करियर कुछ ही सालों पहले शुरू किया था। इससे पहले देश सेवा की, देश सेवा से लेकर राजनीति तक का सफ़र और राजनीति में एक किसान नेता के रूप में उभरे एक ऐसे व्यक्ति से आज आपका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मानसिंह फौजी जी हैं और जिनके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर रहा था कि फौज से लेकर राजनीति में इनका सफ़र कैसा रहा, और तो आज इनकी जवानी खुद जानेंगे। मानसिंह फौजी जी जी नमस्कार, मैं मानसिंह फौजी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड से। जी, के पास आने का मेरा एक मकसद था। जैसा कि आपको विदित है कि देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, तो उसको लेकर कई सारी जो है आप देख रहे होंगे सड़क के रास्ते कई लोग हजारों किलोमीटर पैदल पलायन कर रहे हैं। कुछ दिन से जो मैं लगातार इनकी सोशल मीडिया आपको देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, तो इनको करते हुए मुझे खुशी होती है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। कल जब मैंने इनका वीडियो देखा तो सड़क पर जो हजारों लोग पलायन कर रहे हैं उन लोगों को ये खाना खिला रहे हैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि आपको विदित पता है मोदी जी ने कह दिया कि लाखों लोगों को जो हम लोग वो कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं गरीबों के लिए, भोजन की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, ये एक घोषणा है। ये धरातल पर कहीं पर भी नहीं है। धरातल पर आज आप देख रहे होंगे लाखों मजदूर हाईवे पर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी की वजह से होटल जी सारे बंद हैं, हाईवे पे उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। कई मजदूरों की तो रास्ते में मौत हो गई, जो आपने देखा होगा कालीपाड़ी के और दिनारा के बीच में एक मजदूर की मौत हो गई, तो उनके जो साथी थे उसकी लाश को भी छोड़ के चले गए। एक मानव जीवन के लिए एक सर्वनाशक चीज थी। तो ये इसमें देखने को लगा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक इंसान इंसान का काम नहीं बुक कर सहयोग कर रहा है और इंसान को एक लाश को छोड़ के जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ का भाव आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, इतना बड़ा आर्थिक मेरी स्थिति ठीक तो नहीं जी। तो मानसिंह फौजी जी, सरकार बड़ी बड़ी घोषणा तो कर रही है, आप देखिए मीडिया में कई सारी खबरें आ रही है कि सरकार लाखों लोगों को खाना दे रही है, क्विंटल क्विंटल दालें बट रही हैं, चावल बट रहे हैं। देखिए सोनू जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ चुनावी और जनता को लुभाने वाले घोषणाएं हैं। ये धरातल पे आप खुद देख लीजिए, आज कितने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कितने मजदूर निकल रहे हैं हाईवे पे, इनको ना ही तो पानी मिल रहा है, ना ही राशन मिल रहा है, ना ही उनको उनको पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, उनको भाई उनके उसके नाम पे चेकिंग के नाम पे कहीं बॉर्डर पे जैसे यूपी एमपी बॉर्डर पे जाना पड़ता हो। तो साथियों, ये तो भी मानसिंह फौजी जी ने ये बताया कि किस तरह से कोरोना महामारी से ये लोग लड़ रहे हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक फौजी से राजनीति में आने का इनका सफर क्या। सेना में मैं करीब 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ जी। 2001 में भर्ती हुआ, मैंने सेना की 17 साल नौकरी की। अब जब मैं छुट्टी आता था तो करेरा की जो हालात हैं, आपने देखा होगा कि करेरा एक विकासशील तहसील बन सकती है, बन सकती है। लेकिन क्या है, यहाँ के नेताओं की बेरुखी, जनप्रतिनिधियों की बेरुखी रही कि आज देखिए आप आईटीबी का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है पूरे देश में, यहाँ से सोल्जर तैयार होते हैं। और यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र है, मूंगफली जैसी क्षेत्र है, किसानों के लिए बहुत अच्छा मूंगफली का पूरे भारत में दूसरे स्थान पे करेरा हमारा मूंगफली के स्थान में माना जाता है। फिर भी हमारे करेरा का विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे किसानों को आज सिंचाई के साधन ठीक नहीं है,
आज हमारे युवाओं के लिए जो सेना में जाना चाहता है, आज हमारे लोकल क्षेत्र के आईटीबी के ट्रेनिंग सेंटर होते हुए यहाँ पे बहुत बाहर के लोग लड़के भर्ती होते हैं यहाँ पे सुंदर, लेकिन हमारे लोकल के जो हैं करेरा क्षेत्र के लोग हैं वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाता। उसकी वजह ये है कि कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, कोई खेल ग्राउंड नहीं है, तो हमारा युवा जोशीला बहुत है लेकिन वो फिजिकल में फिट है लेकिन उसको वो चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो मुझे आगा कि क्यों भाई, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं इसको मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता रहता था एनसीसी में, और मैं पहले ही प्रयास में सेना में भर्ती हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद अब मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं मैंने देश की सेवा 17 साल मैंने अपने जो जवानी के दिन हैं मैंने सेना को दिए, जो मेरा निचोड़ था जवानी का वो मैंने सेना को दिए। अब मेरे मैं आज कहीं थानेदार या एक्स सर्विसमैन कोटे से कोई भी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन नौकरी करने से मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक करेरा के लिए कुछ करने का है, और करेरा के युवाओं के लिए और किसानों के लिए। तो आज मैंने देखा है कि करेरा का दुर्भाग्य रहा है कि जो यहाँ का विधायक बनता है वो रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होता। और मेरा मानना है कि मेरे ऐसा आशा है कि मेरे को अगर मौका मिलता है तो मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जनता को जरूर पसंद आऊंगा, और एक जो सेना का मेरे साथ मेरे को जो अनुभव है, जो काम करने का जज्बा है, वो मैं करेरा के धरातल पे लाने का प्रयास करूंगा, और मैं एक नया करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, मान सिंह फौजी जी हैं, प्रदेश महासचिव जो कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश है उसकी भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड्स के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे पास आने का हमारा एक ही मकसद था, हम ये दिखाना चाहते थे कि नेता चाहे तो क्या कर सकते, वो अपने वोटरों के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो चाहे कर सकता है, और इनसे अन्य जो नेता उनको सीखना चाहिए कि बाकी में काम कैसे किया जाता है। मैं सोनू जी आपको एक बीच में बात आपकी रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, मैंने अभी 3 साल करीब सेना से रिटायर हुए हैं, 3 साल में मैंने करेरा के लिए जी, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा तो हम लोग विपक्ष में रहे हैं, मैंने 3 साल में धरने दिए। आपकी कॉलेज रोड इतनी खराब थी जिसमें मैंने खुद डस्ट डाल के और सरकार का विरोध किया जी, जो आज वो रोड बन के तैयार हो गई। आपका महुगर पुल पे मैंने धान लगाई, धान लगा के आपने जो जी, मैंने धान लगा के मैंने विरोध किया, और मीडिया का आप जैसे जो ईमानदार और पत्रकार उनका सहयोग जो मिला, मैं उनको आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जिसकी वजह से आज महुगर पुल भी आप देख लीजिए कितना बेहतरीन है जी। आप उसकी सड़क इतना अच्छा हो गया, रिपेयर हो गया, आज वो जो अंग्रेजों को टाइम के बना हुआ पुल था, आज वो टूटने की कगार पे आ गया जी। लेकिन आज वो उसकी लाइफ बढ़ गई और वो आज लोग आराम से जा सकते हैं, कई लोगों की चोटिल हो चुके थे उस पर। तो मैंने एक फोटो देखा था आपका सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद करे तरफ कोई रोड है, तो उसके लिए भी आपने कोई आंदोलन किया था जी। मैंने अपनी सरकार में रहते हुए जी मैंने ज्ञापन दिया था सरकार के खिलाफ। देखो सरकार का मेरा काम है, मैं नेता हूँ तो मेरा उनको ध्यान आकर्षित कराना कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है जी, समस्या क्या है जी। मैंने विधायक मेरे खुद मेरे पार्टी जो मेरी पार्टी से चले गए हैं मैं उनको अवगत कराया था, तो वो शायद कुछ और ही चीज में मगन थे जी, तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो मैंने भाई उस चीज को मैंने मीडिया के माध्यम से जी उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए मैंने वो प्रयास किया था जी। और जहाँ तक कि मुझे पता चला कि वो सोन चरैया की वजह से वायर सड़क अधूरी पड़ी हुई जी, तो आप कोरोना जैसी महामारी जैसे ही खत्म होती है तो आपको बदलाव मिलेगा जी, और मैं इस पे बहुत जल्द काम करूंगा जी, बहुत जल्द जी। मैं इस सड़क के लिए जल्द मैं आंदोलनों पे बैठूंगा जी। तो जिन्हें आप सुन रहे थे,
ये तो चंद वो उदाहरण दिए इन्होंने, लगभग 2 से 3 घटनाएं सुनाई, ऐसी कई सारी घटनाएं यदि हम इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर खंगाल के देखें तो आपको हर महीने में 1-2 आंदोलन जरूर मिल जाएंगे जो जनता से जुड़े होते हैं, जनता के मुद्दे होते हैं। इस वक्त मेरे साथ मानसिंह फौजी जी हैं और अभी हम इनसे बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की। आखिरी जाते समय ही हमें कुछ संदेश देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हैं जी? मैं साथियों आपको संदेश देना चाहता हूं कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इससे आप सुरक्षित रहें, घर से बेवजह न निकलें और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने मास्क लगाएं और हाथों को बार बार साबुन से धोएं और बेवजह घर से ना निकलें। बाकी मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे वो मानसिंह फौजी जी थे। आशा करता हूँ आपको ये हमारा जो वार्तालाप था, जिसे हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।